मर गए। हेलो, हाँ सर, सर नहीं सर, काम नहीं हो पाया और शायद हो भी नहीं पाएगा सर। एसपी सर को मुझ पर शक हो गया सर। सर आप तो चले गए अवधपुर डीसीपी सर के मिशन के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर रहकर सबके साथ काम करना है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। सर कोई आ रहा है, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंकज, आज सुबह जल्दी आ गई या कल रात से यहीं पर हो? नहीं सर, आधे घंटे पहले ही आया हूँ। वो आपने कहा था ना कि पिछले साल औरतों पे जितने जुर्म हुए उसकी रिपोर्ट तैयार करो, वही कर रहा था। गुड गुड, वेरी गुड, काम करो। पूर्वी की मम्मी का फोन। हेलो आंटी, क्या? लेकिन पूर्वी तो कल शाम 5 बजे ही निकल गई थी यहां से। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग पता करते हैं। क्या क्या हुआ सर? पूर्वी की मम्मी का फोन था, कह रही थी कि कल शाम पूर्वी घर नहीं लौटी और फोन भी नहीं उठा रही अपना। घर नहीं लौटी, फिर कहाँ गई होगी सर? हाँ सर, वो यहाँ भी समय पे आ जाती है, कभी लेट होती नहीं है। रिंग तो जा रहा, फोन उठा क्यों नहीं रही है? जीपीएस सिस्टम से पता करो कि इस वक्त पूर्वी का फोन कहाँ है, जल्दी। सर जीपीएस के हिसाब से पूर्वी के फोन का लोकेशन भीमगढ़ के जंगल में है। भीमगढ़ के जंगल में? ये पूर्वी भीमगढ़ के जंगल में कैसे पहुंच गए? एक मिनट सर, पूर्वी के मोबाइल का सिग्नल ऐसे एरिया में है। सर सिग्नल उस तरफ कहीं है। उधर पूर्वी का बैग यहाँ? सब पूर्वी का ही कार्ड, लेकिन सर फोन का सिग्नल तो उस तरफ दिखा रहा है। उस तरफ? जल्दी चलो। सर पूर्वी का मोबाइल। मोबाइल यहाँ है, बैग यहाँ है, तो पूर्वी भी यहीं कहीं होगी। पूरा एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। सर 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 खून की बूंदे। खून? सर कहीं खून पूर्वी का तो नहीं? हो सकता है, लगता है कुछ हुआ है पूर्वी के साथ। देखो ये खून कहां जा रहा है। ये कौन? जिंदा है सर? कहीं इसकी मुठभेड़ पूर्वी के साथ तो नहीं हुई?
इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। अब यही बताएगा यहाँ पूर्वी के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है इसकी? खतरे से बाहर है दया, गोली छू करके निकल गई। होश में आ गया? हाँ, होश तो आ गया। तो इसे बात कर सकते हैं? दया, बात तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर। ठीक है सर। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, मुझे अस्पताल लाने के लिए शुक्रिया। वैसे ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं। भीमगढ़ के जंगल में जख्मी हालत में मिले थे तुम हमें? भीमगढ़ के जंगल में? मैं वहां कैसे पहुंच गया? मैं तो सुबह जिम जाने के लिए निकला था। जिम जाने के लिए निकला था? हाँ, मैं सैटन जिम में इंस्ट्रक्टर का काम करता हूँ। जिम जाते वक्त रास्ते पे कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं आ रहा? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई डॉक्टर? नहीं, मुझे सब याद है। मेरा नाम विक्रम है, मैं जबलपुर से हूँ और मैं जिम में इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरे साथ आज क्या हुआ मुझे वो याद नहीं। ठीक से याद करके बता विक्रम, तुम्हारे साथ पूर्वी भी थी? पूर्वी? कौन पूर्वी? कौन पूर्वी? पूर्वी सीआईडी ऑफिसर, ये है उसकी फोटो। सीआईडी से मेरा क्या लेना, मैं तो एक नॉर्मल जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। इंजेक्शन दे देना। ओके सर। आप रेडी? ठीक है, वहां जाके पता करो कि और कोई था क्या उसके साथ। ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? पूरी के क्रेडिट कार्ड अकाउंट से पता चला है कि कल सुबह वो जैक्स कॉफी शॉप गई थी। जैक्स कॉफी शॉप? जी कहिए, कौन सी कॉफी पियेंगे आप लोग? नहीं नहीं, कॉफी नहीं चाहिए हम लोग। सीआईडी से? सीआईडी? हमारी ये ऑफिसर कल आपके यहाँ कॉफी पीने आई थी। एक मिनट सर। सुनील। यस सर। इधर आओ सर। ये फोटो देखो, कल ये लड़की हमारे यहाँ आई थी क्या कॉफी पीने? हाँ सर, ये मैडम तो बहुत अच्छी थी और इन्होंने मुझे 50 रुपए टिप भी दिया था। कोई था साथ में या अकेली थी? शायद कोई दोस्त थे, दोनों काफी देर तक हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दिखते कैसे थे ये दोस्त? लंबे थे, हट्टे कट्टे थे, एकदम फिल्मी हीरो जैसे दिखते थे। मेरी तरह दिखते थे? सीसीटीवी कैमरा? ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज होगा आपके पास? इस आदमी का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। देखिए फ्रेडी, इंतजार करो। ये पूर्वी तो बड़ी हंस हंस के बातें कर रही है इस आदमी से, है कौन ये? अरे ये क्या, जाते जाते इस आदमी को पूर्वी ने तोहफा भी दे दिया, सीडी। जरूर गाने की या फिर कंप्यूटर गेम की होगी। किसी जरूरी चीज की भी हो सकती है। तो वही लड़का है जो मैं जंगल में मिला था, जिम इंस्ट्रक्टर विक्रम। ये विक्रम के जख्मी होने में और पूर्वी के गायब होने में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। कहीं इसने तो कुछ नहीं कर दिया पूर्वी को? वो क्यों करने लगा? पूर्वी तो उससे हंस हंस के बातें कर रही थी जैसे कि उसका दोस्त हो। अगर दोस्त है तो उसने हमें झूठ क्यों कहा कि वो पूर्वी को नहीं जानता? याददाश्त चली गई है ना उसकी। कह तो रहा था कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। लेकिन काफी कुछ याद है फ्रेडी, सब
अपना नाम वगैरह तो नहीं भूला? जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये है वो सीक्रेट एजेंट जिसकी जगदीश भाई को तलाश थी? हाँ भाई, जंगल में इसके साथ एक आदमी भी था, उसको गोली मार दी। कुछ बताया इसने? नहीं, दिखने में जितनी आजुक है उतनी लगती नहीं। इसके पास से हमें सीआईडी का बैच भी मिला। सीआईडी का बैच? बेवकूफ, कहीं सीआईडी की ऑफिसर तो नहीं? जल्दी जाओ, इसको होश मिलाओ, जाओ। विक्रम अंदर है? हाँ सर, नर्स अभी अंदर गई है उसे दवाई देने के लिए। कैसा विक्रम? विक्रम की हालत पहले से सुधार है, आप 2 दिन में उसे घर ले जा सकते हैं। हाँ, मिल सकते अभी? जी। विक्रम कहाँ गया? सर, अभी तो यही था। हाँ? अभी यही था तो फिर कहाँ चला गया? विक्रम, विक्रम कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे नींद की दवा दी थी। नींद की दवा? ओह, ये रही नींद की दवाई, और वो रहा विक्रम। विक्रम जैसे दिखता है इसे है नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सीआईडी, हमें विक्रम से मिलना। हाँ विक्रम? जी हाँ विक्रम, जिम इंस्ट्रक्टर है ना वो यहाँ पे, ये उसकी फोटो है। आप उनके दोस्त हैं? जी हाँ। नहीं, मुझे देखे लगा नहीं था कि उसका भी कोई दोस्त हो सकता। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे सर, ना ही कभी किसी से बात करता था, ना ही हंसी मजाक, ना ही मैंने उसके चेहरे पर कभी मुस्कान देखी थी। जब भी आता था ना, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जुनून था। और सर, जब वो वर्कआउट करता था ना, तो पूछो ही मत, बड़े बड़े बिल्डर को मात देता था वो। उसे बुलाना जरा। सर, आज तो वो आया ही नहीं। आया नहीं? अरे तो फिर उसके बारे में इतनी देर से कहानी क्यों सुना रहा था? सर, वैसे महीने में मुश्किल से 7-8 दिन आता है, काफी गर्म दिमाग का ये। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर, वैसे आप तो उनके दोस्त है ना, आपके पास होना चाहिए उसका एड्रेस। अरे हाँ, वो क्या है कि हफ्ते भर पहले उसने अपना घर बदला है और नया एड्रेस हमें दिया नहीं। सॉरी सर, मेरे पास तो उसका कोई एड्रेस नहीं है। आप लोगों को विक्रम का एड्रेस चाहिए? हाँ, तुम जानते हो विक्रम का एड्रेस? जी हाँ, एक दिन घर जाते वक्त मैंने उसे रुक्मणी अपार्टमेंट्स में जाते हुए देखा था, शायद वही रहता होगा। रुक्मणी अपार्टमेंट्स? बिल्डिंग में तो बहुत सारे फ्लैट है, ये कैसे पता चलेगा कि विक्रम किसमें? हाँ पंकज, ये बात तो है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, चलो। बोलो बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, क्या आप मैरिज ब्यूरो से आए हैं?
मैरिज ब्यूरो? हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि मेरी बेटी आरती के लिए कोई एक अच्छा सा दूल्हा भेज दें। तुम्हें भेजा है क्या उन्होंने? नहीं नहीं माजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो कहीं इन्हें कितना कमा लेते हो बेटा? नहीं मैं वो तो क्या इसे, हे भगवान, अब ये ना कहना कि इसे भेजा है। मेरी बेटी को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। मुझे भी आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है, हम तो सीआईडी से हैं। सॉरी नहीं माजी, हम लोग मैरिज ब्यूरो से नहीं आए, हमें इस आदमी की तलाश है। ये आदमी यहाँ इसी बिल्डिंग में रहता है? अरे हाँ हाँ, ये तो विक्रम है, ये इसी बिल्डिंग में रहता है। बड़ा ही नेक लड़का है। नेक लड़का? अरे पिछले महीने ही एक चोर मेरा बैग लेके भाग रहा था, इसने चीते की सी फुर्ती दिखाई और उसका पीछा किया और उसकी अच्छी तरह धुलाई कर दी। अब चोर को भी सबक मिल गया और मुझे भी मेरा बैग मिल गया। अच्छा ये रहता कहाँ है, कौन से माले पे? अरे इसे रहने के लिए जगह ही कहाँ थी, वो तो बेचारे को अपने सेक्रेटरी साहब को बोल के मैंने ही उसको टेरेस पे जगह दिला दी है। बस सारा दिन कसरत करता रहता है। ठीक है मांजी, थैंक्स। बेटा एक मिनट, मैं अभी आई। अरे तुम लोग ऊपर जा ही रहे हो उससे मिलने ना, तो ये हलवा उसको दे देना, मैंने उसी के लिए बनाया है। आंटी जी ये गाजर का हलवा है? अरे हाँ हाँ, गाजर का हलवा है। आंटी मैं भी कसरत करता हूँ, मैं खा लूँ? ना ना बेटा, ये हलवा तो मैंने उसी के लिए बनाया है, तुम जब वापस आओगे ना लौट के तब खा लेना, घर में और रखा है। ठीक है? ठीक है माजी, दे देंगे। अच्छा ठीक। तेरी अच्छी सेहत के लिए पहले ये गाजर का हलवा खा ले, आजा। पेशा जिम ट्रेनर का, तो काम लोगों को किडनैप करना। ये भागने दौड़ने की तो आदत हो गई है हमें, सीआईडी को बेवकूफ बना के भागना कोई आसान काम नहीं है मिस्टर विक्रम। ना आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं एक मामूली जिम इंस्ट्रक्टर हूं। मामूली लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर से कूदा नहीं करते हैं? सर मैं तो पूरी तंदुरुस्ती में ऐसा नहीं कर सकता हूं। किस गैंग के लिए काम करते हो तुम? किसी गैंग के लिए नहीं। अच्छा तो फिर तुम्हारे पास एक गन, इस शहर का नक्शा और भीड़ भाड़ वाले इलाके का सीडी कहां से आया? क्यों आया, कैसे आया?
मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वक्त बर्बाद मत करो, बताओ क्या मिशन है तुम्हारा और हमारी ऑफिसर पूर्वी कहाँ है वो? क्या पूर्वी अब तक गायब है? हाँ गायब है, और आखिरी बार वो तुम्हारे साथ ही थी जैक्स कॉफी शॉप में, है ना? थी या नहीं? हाँ थी, मगर मुझे लगा उन लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा। किन लोगों ने? किसकी बात कर रहे हो? जगदीश और उसके गैंग की। जगदीश? जगदीश कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर, ना जाने कितने मासूमों को उसने नशे की खाई में धकेल रखा है। तुम जगदीश को कैसे जानते हो और हो कौन तुम? मैं भी आप लोगों की तरह देश का सेवक हूं, मैं एक कमांडो हूं। अच्छा तो पूर्वी ने तुम्हें जो सीढ़ी दी थी कॉफी शॉप में, वो जगदीश के बारे में थी? जी हाँ सर, मैं और पूर्वी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। जब मुझे पता लगा कि वो सीआईडी ऑफिसर है तो मैंने सोचा उसकी छोटी सी मदद से जगदीश के गैंग का नाश कर दिया जाए। सॉरी आने में लेट हो गया क्या? एक्चुअली मुझे जल्दी आने की आदत है। कैसे हो तुम? बिल्कुल फिट। जल्दी आने की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं छूटी? हाँ अच्छी आदत छूटनी नहीं चाहिए और बुरी आदत लगनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी अच्छी आदत हूँ या बुरी? तुम दोस्त हो मेरे और ये है दोस्ती का तोहफा। जगदीश के पूरे गैंग की इन्फॉर्मेशन है ना इसमें? हाँ, पर मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ सीआईडी इस मिशन पर तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हारी मदद ले ली है ना, अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पता है मुझे बहुत बड़े कमांडो हो ना तुम, वन मैन आर्मी। अरे वाह, तुमने कॉफी भी ऑर्डर कर दी? तुम्हारी फेवरेट, जानती हूँ मैं, एस्प्रेसो। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने फिट कैसे रहते हो? कमांडो हूँ यार, सारे दिन यही काम करता हूँ। शुगर? छोड़ दिया मैंने। कब से? अभी से। कब तक? थोड़े टाइम के लिए। चीयर्स। चीयर्स। कॉफी मेरी, डिनर तुम्हारा। पक्का? पक्का, चले। चलो। तुम लोग जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गया था और जब होश आया मैं हॉस्पिटल में था। तो उसके बाद उन्होंने तुम्हारे बदले पूर्वी को अगवा कर लिया। हाँ सर, मुझे लगा था उन्हें पता लगेगा कि पूर्वी सीआईडी ऑफिसर है, वो उसे छोड़ देंगे। तुमने हॉस्पिटल में हमसे ये सच्चाई छुपाई क्यों? तुमने सब कुछ बता क्यों नहीं दिया वहां? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं एक अंडर कवर कमांडो हूं। अगर सर पूर्वी को तो सारी बात पता थी, उसने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने उसे मना किया था, वो तो चाहती थी कि पूरी सीआईडी टीम मेरी मदद करे। एक बात बताओ, उन लोगों के बारे में तुम और कुछ जानते हो? कोई खास बात जिससे हम उन तक पहुंच सके? नहीं सर, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ याद नहीं है। और उस वैन का नंबर याद है जिसमें वो लोग आए थे? वैन का नंबर याद है? दया तो फिर पता लगा वैन किसकी है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। किसको उठा के लाने के लिए बोला था और किसको लेकर आए हो? भाई जरा ठंडे दिमाग से, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो बढ़ने देना। सीक्रेट एजेंट की जगह सीआईडी को मेहमान बना के बैठा दिया मेरे सर पे। गलती हो गई भाई, एक मौका और दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक कर देगा? क्या ठीक कर देगा बोल। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाएगा, ना तो ड्रग डील में कोई दिक्कत आएगी, ना ही आतंकवादी हमले में। अच्छा, अब मेरी एक बात सुन। तेरे गैंग की इस बेवकूफी की वजह से अगर मेरा प्लान चौपट हुआ तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे नानी नहीं तेरी दादी याद आ जाएगी, समझा? निकल! इस नंबर की वैन का मालिक तो मैं ही हूँ, मगर ये वैन तो मैंने कुछ दिन पहले एक आदमी को किराए पे दी थी, वो अब तक वापस लेकर नहीं आया है। किसको दी थी किराए पे? कोई पिंटू नाम का आदमी था शायद। पिंटू? अच्छा, उसका एड्रेस और फोन नंबर तो लिया ही होगा आपने? लिए तो थे, पर दोनों नकली निकले। नकली निकले? उसका आईडी कार्ड चेक किया था वैन देने से पहले? नहीं साहब, बोला कि उसका कोई आई कार्ड नहीं है, पर उसने मुझे 20,000 रुपया नकद दिए। और उसने आपको 20,000 रुपए दिए और आपने नियम और कानून का पालन करना जरूरी नहीं समझा? माफ करना साहब, गलती हो गई, आगे से ख्याल रखूंगा। अच्छा ठीक है, उस आदमी के बारे में कुछ याद है आप, कुछ भी? हाँ साहब, उसने हाथ में एक रिस्ट बैंड पहन रखा था, उस पे क्यूब क्लब लिखा था शायद। क्यूब्स क्लब? सर ये तो डिस्को क्लब है प्रगति नगर में। कहीं ये आदमी उसी डिस्को में काम तो नहीं करता? अच्छा, उस आदमी की शक्ल याद है आपको? हाँ सर, बिल्कुल उचक्का था, अच्छी तरह याद है शक्ल उसकी। ठीक है, तो फिर उसका स्केच बना दीजिए। बिल्कुल। भैया बहुत बहुत प्यास लगी है, तो थोड़ा सा पानी पिला दीजिए ना भैया। भैया बोला यार पानी पिलाना ही पड़ेगा। चलो पानी पी लो। भैया मैं पानी कैसे पीऊंगी, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं खोल सकता, तू भाग गई तो।
क्या भैया, मैं कैसे भाग सकती हूँ? मेरे पैर बंधे हुए हैं और आप तो इतने ताकतवर हैं, मैं भाग कैसे सकती हूँ भैया? ठीक है, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है भैया। बस थैंक यू भैया। जरा अपने हाथ बांध लेना प्लीज। इतने सारे लोगों के बीच में से कैसे निकल पाऊंगी? डिस्को को नुकसान पहुंचाएगा। चल पहुंचा। हम यहाँ झगड़ने नहीं आए। पिंटू कहाँ है? मैं ही पिंटू। बोलो क्या करने का है? हाँ देखने क्या? हाँ देखना चाहता हूँ। चल दिखा दिखा। वाह वाह वाह, मजा आ गया सर। इसे कहते हैं कमांडो स्टाइल में धुलाई। चल बैठो सर। चल उठ। अब बता, कल तूने सुधा वैन कंपनी से कोई वैन किराए पे ली थी? जी हाँ साहब, मैंने ली थी। अब जल्दी बता, उस वैन में सीआईडी ऑफिसर पूर्वी को किडनैप करके कहाँ रखा था? किडनैप? नहीं साहब, मैंने किसी का किडनैप नहीं किया। वो तो एक कस्टमर के लिए मैंने गाड़ी किराए पे ली थी। कस्टमर? कौन से कस्टमर? साहब मैं उसे जानता नहीं। वो तो उसने मुझे 50,000 रुपए दिए थे, इस वजह से मैंने उसे गाड़ी किराए पे लेके दे दी। स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं साहब, डिस्को में इतना अंधेरा होता है, ठीक से मैं उसकी शक्ल देख नहीं पाया। हेलो। हेलो रजत सर। पूर्वी, पूर्वी तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? सर पर मुझे किसी रॉकेट और किसी जगदीश नाम के मुजरिम ने कैद कर लिया। सर जगदीश ड्रग्स के पैसे के जरिए देश पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला है। हाँ करणवीर, हाँ सर प्लीज कुछ करिए। वैसे तो कमांडो का दिल फौलाद का होता है, मगर अगर पूर्वी को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर इस बोझ के तले दबा रहूंगा। पूर्वी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देगी हम पूर्वी को। बस एक बार पूर्वी मिल जाए ना, तो फिर दिखा देंगे इन देशद्रोहियों को कि क्या अंजाम होता है हमारे देश के साथ टक्कर लेने का। सर अरे उस जगह का पता चल गया जहाँ पे पूरी को किडनैप करके रखा गया। कहाँ पे? 3 पाड़ा नाम के किसी कस्बे में उसे कैद करके रखा गया सर, जो मुंबई गुजरात हाईवे पे पड़ता है। चले सर। नहीं पंकज, किसी जेब कतरे को पकड़ने नहीं जा रहे हम, देशद्रोहियों को पकड़ने जा रहे हैं। देशद्रोहियों को जोश से काम नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा। एक प्लान है दिमाग में। बताइए सर।
क्या हैगा अच्छा अभी तुम में से गेम कौन जीत रहा है? अभी तक तो वही जीत रहा बॉस। ए जाके देखना कौन है उधर। ए कौन है बे? तुम्हारे बाप कहा पता साहब साहब ऊपर है ऊपर चल ऊपर सर चलो दया सर करण ठीक हो ना तुम उठ उठ बोल जगदीश कहाँ है? मालूम नहीं साहब। जगदीश सुबह आया जरूर था मगर पता नहीं कहाँ निकल गया। कहाँ गया वो? पता नहीं साहब। सुबह इसका एक साथी कांची आया था, उसने उसे एक कागज की पर्ची दी जिससे पढ़ते ही जगदीश चला गया। कागज की पर्ची? क्या लिखा था उसमें? पता नहीं, उसने वो पर्ची पढ़ी और पढ़ के फाड़ के फेंक दी। किधर फेंकी थी उसने? उधर कहीं है पर्ची साहब। लगता है इन कागजों में उस जगह का एड्रेस है जहां पे ड्रग डीलिंग होने वाली थी। चल जोड़ के देखो उसे। XLQAU 3240 तो किसी गाड़ी का नंबर लगता है। सर कहिए उस गाड़ी का नंबर तो नहीं जिसमें ड्रग्स आने वाले? हो सकता है पूर्वी। एक काम करो, आसपास के सारे चेकनाके पे इन्फॉर्म कर दो, उनसे कहो इस गाड़ी के नंबर कहीं भी दिखाई दे तो उसे फौरन रोक ले। चल उस नंबर की कोई गाड़ी गुजरी है जिसका एसएमएस किया था? यहाँ से जो भी गाड़ियां गुजरी उसमें कोई मिला नहीं। सब कुछ ये चेक नाका सबसे नजदीक है उस रॉकेट के अड्डे से। सर एक ट्रक आ रहा है। ये तो वही नंबर है जिसके हमें तलाश है। क्या हुआ साहब, चेकिंग चल रही क्या? हाँ, क्या ले जा रहे हो ट्रक में? कुछ भी नहीं साहब, खाली ट्रक है। ये खाली ट्रक लेके कहाँ जा रहा है? पता नहीं साहब, मालिक ने कहा कि हाईवे नंबर 25 पे लेके जाओ, वहाँ जाने के बाद एक फोन करेगा फिर बताएगा कि ट्रक कहाँ लेके जाने का है। अभी यहीं खड़ा रहने दो, चेक करते हैं। Thank you.
ड्रग्स। अरे रे, ये क्या किया साहब? टायर को गोली मार दिया, मेरा नुकसान कर दिया साहब आप। चुप। टायर में ड्रग्स लेके घूम रहा है, बोल रहा है नुकसान कर दिया। कम से कम 8-10 करोड़ का ड्रग्स होगा इसमें। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करिए साहब प्लीज। ठीक है, यकीन कर लेते हैं। तो इस ट्रक को वहीं लेके जा, हाँ, जहाँ तुझे पहुंचाना था। पता नहीं ये ट्रक अभी तक आया क्यों नहीं, मुझे तो लगता है किसी ढाबे में सो गया होगा ड्राइवर। बॉस, वो देखो ट्रक आ रहा है, अपना ही ट्रक है। अब तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ भाई, चल रहे। ए रुक 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 रुक, हाँ माल किधर रखा था? इस तरफ का पिछला अंदर वाला टायर। तू जल्दी से पाना लेकर आ, टायर खोलना है। टायर भी फटा हुआ है, ये माल भी गायब है। चलो बेटा नीचे आओ, नीचे आओ। माल कहाँ है? हैं? अब ये बता तू जल्दी, माल किधर है? हैं? सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ है माल? माल यहाँ पर है। अबे तुम कौन हो अब? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी से पंगा? मैं भारत देश को बर्बाद कर देना चाहता था ड्रग्स के जरिए और आतंकवाद के जरिए। तेरे जैसे मच्छर भारत को बर्बाद करेंगे जब तक सीआईडी है और करमवीर जैसे जाबाज कमांडोज हैं, तू हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा बस चलता तो तेरे जैसे कीड़े को समाज से साफ कर देता, पर भारत के संविधान का सम्मान करता हूं मैं। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए मुझे। तेरे जैसे गुनहगारों को माफी नहीं, सजा मिलेगी, फांसी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, आप सीआईडी वालों ने इस मिशन में मेरी मदद की। नहीं, थैंक यू मत कहना। वैसे तो देश की सेवा करने के लिए और देश पर मर मिटने के लिए तो पैदा होते हैं सीआईडी ऑफिसर्स और तुम जैसे कमांडोस, पर तुम तो एक ऐसा कमांडो हो जो वन मैन आर्मी है। तुम जैसे देशभक्त को मिलकर बहुत खुशी हुई। गुड लक। थैंक यू। दया, हमें कमांडो ट्रेनिंग में बहुत मुश्किल चीजें सिखाई जाती हैं, मगर आपकी तरह दरवाजा तोड़ना वो सिर्फ आप सिखा सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कमांडोस तो बड़े बड़े पहाड़ों से भिड़ जाते हैं, और वैसे भी हमारे देश को तुम्हारे जैसे कमांडोज की बहुत जरूरत है। कैरी ऑन द गुड वर्क। थैंक्स बॉयज। उम्मीद करता हूं तुम दोनों सीआईडी का नाम बहुत रोशन करोगे। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी जरा कमांडो ट्रेनिंग दीजिए ना सर, मैं आपका स्टंट्स का फैन हो चुका हूं। क्यों नहीं, तुम जानते हो 10,000 में सिर्फ एक कमांडो बनता है, और मेहनत करोगे तो जरूर बन जाओगे। बहुत पसीना बहाना पड़ता है। I'm really sorry, मत कहना करना।
मैंने जो कुछ भी किया है देश के लिए तो किया ही, साथ साथ हमारी दोस्ती के लिए भी किया है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो जरूर याद करिएगा। वाकई अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें याद करेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.